हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, देखिए, आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर, ग्रुप डी में अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हमें स्टडी के लिए टाइम मिलता है। देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर ग्रुप डी में ज्वाइन करता है तो उसकी इच्छा रहती है कि जल्दी से जल्दी वो जो है प्रमोशन लेकर किसी अच्छी पोस्ट पर प्रमोट हो जाए। और उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था LDCE और GDCE का एग्जाम जो है टाइम टू टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप अपनी स्टडी से थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हैं जॉब होने के बाद भी, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो SSC लेवल के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको कितना टाइम यहाँ पर मिल सकता है ग्रुप डी की पोस्ट में, उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे से जुड़ी बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। देखिए, अगर बात करते हैं कि क्या ग्रुप डी में स्टडी के लिए टाइम मिलता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए जो ग्रुप डी में आपका ड्यूटी आवर होता है वो कितने घंटे का होता है। देखिए, स्क्रीन पर आप लोग एक ऑफिशियल यहाँ पर सर्कुलर देख सकते हैं। इसका जो PDF है वो मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम के लिंक में भी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक हफ्ते में जो है टोटल 48 घंटे तक काम करना होता है। देखिए, एक दिन में आप 8 घंटे अगर काम करते हैं तो 6 दिन में यानी कि 48 घंटे आप काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक बात जरूर आएगी कि क्या मैं यहाँ पर बैक टू बैक 48 घंटे काम कर सकता हूँ या 24-24 घंटे में काम कर सकता हूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 8-8 घंटे के आपके रोस्टर बनाए जाते हैं। दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, 8-8 घंटे के 3 रोस्टर बनाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो है दिन में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है और रात को भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। दोनों तरीके से ही आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगती है। एक हफ्ता आपको दिन की ड्यूटी करनी होती है और एक हफ्ता आपको रात की ड्यूटी करनी होती है। तो देखिए, डेली 8 घंटे का यहाँ पर रोस्टर होता है, नॉर्मली जो यहाँ पर ऑफिशियल सर्कुलर में भी बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 8 घंटे से ज़्यादा भी आपको काम करना पड़ सकता है। देखिए, दो ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर आपको जो है 12-12 घंटे काम करना होता है। एक आपकी गेटमैन की पोस्ट होती है और एक आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है। देखिए, यहाँ पर 12 घंटे आपसे काम क्यों कराया जाता है, क्या होता है, यहाँ पर आपको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जो है ड्यूटी करनी होती है। अगर जहाँ पर आप पोस्टेड है वहाँ पर ट्रैफिक कम है, यानी कि वहाँ से जो ट्रेन जाती हैं वो कम है, तो वहाँ पर जो है आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपके जोन में, आपके डिवीजन में जो है ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी रहती है। कहने का मतलब क्या है कि गेटमैन और पॉइंट्समैन की दो ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपको 12 घंटे भी काम करना हो सकता है और 8 घंटे भी आप लोग काम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए, जितनी भी आपकी वर्कशॉप की पोस्ट होती है, वर्कशॉप में काफ़ी सारी पोस्ट हैं। असिस्टेंट CNW की पोस्ट है, असिस्टेंट लोको शेड की पोस्ट है, सिग्नल टेलीकॉम की जो पोस्ट है, ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट है, TL & AC वाली जो पोस्ट है, यहाँ पर नॉर्मली जो है आपका जो ड्यूटी आर रहता है वो 8 घंटे का रहता है। ठीक है, इसमें 8 से कई बार 9 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जनरली नहीं देखा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद आप लोग स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है, अगर आप जो है अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आप अपनी ड्यूटी के दौरान भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप किसी वर्कशॉप की पोस्ट में या फिर आप इनमें से अगर किसी भी पोस्ट में हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है प्राइवेट जॉब की तरह 8 घंटे बैक टू बैक काम कराया जाता है। प्राइवेट जॉब में आपने देखा होगा कि आपको जो है बैठने के लिए स्टूल या चेयर तक भी नहीं दी जाती है। अगर आपने किसी फैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया हो तो आपको यह बात पता होगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको जो है छोटे छोटे से गैप मिलते रहते हैं, आप रेस्ट भी यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है आपके ऊपर, तो प्रेशर कम होने की वजह से आप लोग थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है, आप जो है जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हैं, स्टडी से आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम जो है यहां पर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आधा घंटा एक घंटा आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, आपके हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल से आप जैसे चाहे स्टडी कर सकते हैं, तो यहां पर आप लोग अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर आप 8 घंटे सोने के लिए भी निकालते हैं और उसके बाद अगर आप लोग जो है 2 घंटे अपने एक्स्ट्रा काम में भी निकालते हैं, तो ये आपके होते हैं 18 घंटे। उसके बाद भी आपके पास 5-6 घंटे आसानी से बच जाते हैं। कि अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है, आपके अंदर जुनून है पढ़ाई का और आप पढ़ना चाहते हैं सीरियस तरीके से, तो आप यहां पर टाइम निकाल लेंगे। अब देखिए, 3-4 ऐसी पोस्ट है जहां पर आपको स्टडी के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। देखिए, एक तो आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, क्योंकि यहां पर देखिए आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल्स में लगती है, तो वहां पर जनरली इतना काम ज्यादा नहीं रहता है और वहां पर आपको स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। बात करते हैं अगर गेटमैन और पॉइंट्समैन की पोस्ट की, तो इन दोनों पोस्ट में भी आपको स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम मिलता है। गेटमैन को एक अलग से छोटा सा रूम मिलता है, वहां पर बैठकर आप स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर देखिए आप लो ट्रैफिक वाले एरिया में हैं, तो आपको स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा खासा टाइम यहां पर मिल जाता है। बाकी एक और यहां पर पोस्ट है असिस्टेंट डिपोट की, यानी कि जो डिपोट स्टोर में आपकी यहां पर ज्वाइनिंग होती है, तो वहां पर भी जनरली आपको पढ़ाई के लिए अच्छा खासा टाइम मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, तो ड्यूटी के टाइम पर भी आप आधा घंटा एक घंटा जो है अपनी स्टडी के लिए आराम से निकाल सकते हैं। आप जो है फ़ोन में किसी वीडियो को देख सकते हैं आधा घंटा, या फिर एक घंटा जो है आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपको बीच में लंच का टाइम मिलता है, रेस्ट करने का टाइम मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रैक मेंटेनर की, तो इनको जो है बीच में 2 घंटे मिलते हैं, एक घंटा इनको लंच का मिलता है, एक घंटा रेस्ट करने के लिए मिलता है। तो उस रेस्ट के दौरान भी आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी इन 4 पोस्ट में जो आपको बहुत अच्छा खासा टाइम स्टडी के लिए मिलता है, और बाकी जितनी भी पोस्ट है इनमें भी आप स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद आपको स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए कुछ पोस्ट यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड वर्किंग होती है, जैसे आपकी वर्कशॉप की पोस्ट होती है या फिर जो ट्रैकमैन की पोस्ट होती है, उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप सच में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सभी पोस्ट की ओवरऑल बात करता हूँ तो 3 से 4 घंटे आप डेफिनेटली सभी पोस्ट में पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से जो है प्रमोशन लेना चाहते हैं तो 4 घंटे की स्टडी बहुत ज़्यादा होती है। अगर रेगुलर जो है 3 से 4 घंटे की स्टडी करते हैं और आपके जोन में जो है जीडीसी एलडीसी की वैकेंसी आती है तो बहुत जल्दी आप लोग प्रमोशन ले सकते हैं। तो गाइस जिन लोगों का ये सवाल था कि ग्रुप डी की पोस्ट में क्या आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है, तो आई थिंक आपको जो है अपना आंसर मिल गया होगा, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।